नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि पॉवर्टी लाइन क्या होता है सर, और पॉवर्टी लाइन को हम लोग इस पिक्चर के तहत समझे थे कि ये जो एरिया है वो आपको लग रहा है कि रिच और प्रॉस्पेरिटी लोगों का है ना, और ये जो एरिया है वो पुअर लोगों का है। तो वैसी इमेजिनरी लाइन जो रिच और पुअर को आपस में डिवाइड कर दे उसको हम लोग कहते हैं पॉवर्टी लाइन। ठीक, तो इस लाइन से जो इधर लोग होंगे उसको हम लोग बीपीएल बोले थे, और इधर जो बोले थे वो थे एपीएल। यानी एपीएल और बीपीएल को हम लोग समझ चुके थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर हम लोग पॉवर्टी एस्टिमेट करें, इंडिया में पॉवर्टी को एस्टिमेट करके समझे, तो इसके लिए चार चीज है। पहला है रंगराजन कमिटी, है ना। दूसरा है सुरेश तेंदुलकर मेथोलॉजी, इसको भी सुरेश तेंदुलकर कमिटी कहते हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के बारे में दो चीजें पढ़ेंगे। तो इसके अनुसार हम लोग समझेंगे कि पॉवर्टी क्या है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसका, रंगराजन कमिटी का। रंगराजन कमिटी, रंगराजन कमेटी के द्वारा क्या किया गया सर? रंगराजन कमेटी ने बताया कि अगर हम लोग अर्बन एरिया में, है ना, अर्बन एरिया और रूरल एरिया, तो रंगराजन कमेटी का कहना था कि वैसे लोग जो अर्बन एरिया में रहते हैं अगर वो 47 रुपीज पर डे खर्च कर रहे हैं, ठीक, या 30 रुपीज पर डे खर्च कर पा रहे हैं अपने जिंदगी जीने के लिए, तो उन्हें हम लोग रखेंगे किसमें, एपीएल में। मतलब 47 से कम रुपया होगा तो वो बीपीएल हो जाएगा, और अर्बन रूरल एरिया में 30 रुपया से कम होगा तो वो बीपीएल हो जाएगा। तो इस पहले मेथोलॉजी को हम लोग समझेंगे किसमें, रंगराजन कमिटी में। रंगराजन कमिटी जो था वो किस तरीके से बात किया सर? तो वो क्या कि अर्बन एरिया में अगर 47 रुपीज पर डे हो रहा है या रूरल एरियाज में 30 रुपीज पर डे हो रहा है, तो इसको हम लोग पॉवर्टी लाइन को इसी से एस्टिमेट करेंगे। अगर वहीं पे सुरेश तेंदुलकर मेथोलॉजी की बात करते हैं हम लोग, है ना, सुरेश तेंदुलकर अगर मेथोलॉजी की बात करें तो सुरेश तेंदुलकर में क्या था, सुरेश तेंदुलकर नाम के एक व्यक्ति थे जिनके अंदर एक कमेटी बनाई गई। इन्होंने भी बोला कि अर्बन एरिया के लिए इन्होंने लिया 33 रुपीज, और रूरल एरिया के लिए इन्होंने लिया कितना, 27 रुपीज। ठीक, तो अगर हमको रंगराजन कमेटी के बारे में समझना हो तो रंगराजन कमेटी से हम लोग समझेंगे क्या कि 47 रुपीज पर डे अर्बन एरिया में और 30 रुपीज पर डे रूरल एरिया में, जबकि सुरेश तेंदुलकर मेथोलॉजी के अनुसार 33 रुपीज अर्बन एरिया में और 27 रुपीज रूरल एरिया में, इसी को बेस मान करके पॉवर्टी लाइन खींची गई। तो रंगराजन मेथोलॉजी के अनुसार भारत में टोटल गरीबों का परसेंटेज था कितना, 29.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 2011-12। अगर 2011-12 की बात करें तो इसके मुताबिक, अगर रंगराजन कमेटी की बात करते हैं तो रंगराजन कमेटी के मुताबिक 29.5% लोग जो थे वो क्या थे, पुअर थे। जबकि आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हो कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी क्या किया कि रुपया को घटा दिया, तो अमूमन बात है कि पुअर का कंसंट्रेशन घट जाएगा। तो सुरेश तेंदुलकर के मुताबिक टोटल जो पॉपुलेशन है भारत का उसका 21.9%, है ना, 21.9% लोग जो थे वो पुअर थे। ठीक, अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक वन और वर्ल्ड बैंक टू की। वर्ल्ड बैंक वन दो बार, मतलब वर्ल्ड बैंक एक बार कुछ बताया रिपोर्ट, एक बार कुछ बताया, तो दोनों में अगर हम बात करें तो एक में बोला गया कि अगर किसी व्यक्ति का परचेजिंग पावर, है ना, परचेजिंग पावर अगर पर डे $1.25 है ना, ठीक, परचेजिंग पॉइंट कितना है, $1.25 पर डे,
ठीक, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि इतना का परचेजिंग पावर है ना वर्ल्ड बैंक वन के मुताबिक, और टू में इसी को बढ़ा करके 1.90 डॉलर कर दिया गया। तो ये जो लोग होंगे वो किसमें होंगे सर? वो होंगे हमारे बीपीएल में, यानी इसी को पॉवर्टी लाइन मान करके। तो अगर आप रंगराजन कमेटी की बात माने या सुरेश तेंदुलकर कमेटी की बात माने या वर्ल्ड बैंक की बात माने, इसके मुताबिक तुम देखोगे क्या कि जैसे जैसे रुपया को घटाया गया है वैसे वैसे इंडिया के पॉपुलेशन कम, वो पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी की वो कम होती गई है ना। तो इस तरीके से पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाता है इंडिया में। आगे बात करते हैं हम लोग कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है सर, काउज क्या है, पॉवर्टी का काउज क्या है। क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम है ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग उसके काउज पर चर्चा करते हैं, है ना। तो काउज में सबसे पहला जो काउज है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा क्या है द बेनिफिटेड सिस्टम, तीसरा क्या है लो पे, चौथा क्या है डिसेबिलिटी, पांचवा क्या है जेंडर एंड रेस, और छठा क्या है फैमिली स्ट्रक्चर। इस सब पर हम लोग बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का तो मतलब समझते हो कि लोगों के हैंड में जॉब नहीं है, हैंड विदाउट जॉब है ना, विदाउट जॉब है सर। अगर द बेनिफिटेड सिस्टम बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, उसमें क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती। अगर लो पे की बात करें तो इंडिया वन ऑफ द कंट्री है जहां लेबर का जो पे है, लेबर का जो पर डे का पे है वो सबसे मिनिमम में है। क्यों? क्योंकि यहां लेबर को अस्किल्ड नहीं किया जाता, और आप लोग जानते हैं कि अस्किल्ड लेबर का इनकम ज्यादा होता है अनस्किल्ड के पक्ष। डिसेबिलिटी की बात करें तो यहां पे तो सबसे पहला डिसेबिलिटी देखने को मिलता है फिजिकली, है ना, फिजिकली डिसेबल्ड लोग यहाँ ज्यादा मिलते हैं, जिसको हम लोग फिजिकली चैलेंज्ड कहते हैं। दूसरा डिसेबिलिटी उसको भी कहा जाता है कि हम लोग इस फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को मान के चलते हैं सर कि ये किसी काम के नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक, जेंडर और रेस की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि इंडिया में मैन और वुमेन के पेमेंट में भी डिफरेंसेस होते हैं सेम काम के लिए, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट क्या किया, सेम वर्क सेम पे लाया, सेम वर्क सेम पे, है ना। जो काम पुरुष कर रहा है वही काम अगर महिला कर रही है तो दोनों का जो पेमेंट होगा वो इक्वल होगा, लेकिन ये देखने को नहीं मिलता। और फैमिली स्ट्रक्चर तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फैमिली स्ट्रक्चर में क्या है कि आज भी हमारे फैमिली मेंबर में है ना 100 फैमिली है, मतलब घर के कोई एक आदमी ही कमा रहे हैं, बाकी सब आदमी उन्हीं पर आश्रित होते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पॉवर्टी का। तो हम लोग समझ सकते हैं कि काउज ऑफ पॉवर्टी में अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली स्ट्रक्चर, जेंडर एंड रेसेस, डिसेबिलिटी, लो पे और बेनिफिटेड सिस्टम है। कोई दिक्कत? अब इस पर से आगे बढ़ते हैं। आगे जब पढ़िएगा तो क्वेश्चन आता है कि सर इस गरीबी के बारे में पढ़ता कौन है, कौन इसके लिए स्टडी करता है? इसको कहते हैं NSSO, इसको कहा जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया में जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है यही एस्टिमेट करता है पॉवर्टी को, यानी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन। तो इस इंडिया में कौन है सर? NSSO है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि देखो लोगो यहां पे दिख रहा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें, वर्ल्ड लेवल पर कौन एस्टिमेट करेगा सर? तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं वर्ल्ड बैंक, है ना। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड पॉवर्टी के बारे में स्टडी करता। तो मेनली यही दोनों ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक तो NSSO हो गया और एक हो गया हमारा वर्ल्ड बैंक, जो दोनों को कंप्लीटली रूप से क्या करता है, स्टेकराइज करता है कि किस तरीके से कहां के पॉवर्टी लाइन को हम लोग किस तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर हम लोग NSSO की बात करते हैं तो NSSO जो होगा वो रुपीज में करेगा,
है ना, रुपीज में करेगा, और तुम जानते हो कि वर्ल्ड बैंक है सर तो ये डॉलर में करेगा, है ना। तो वर्ल्ड बैंक अपना एस्टिमेट जो होता है वो डॉलर में देता है, जबकि एनएसएसओ क्या करता है, रुपीज में देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट ऑफ इंडिया है ना। इसमें जो हम लोग डाटा लिए हैं वो 1973-74 से लेकर के 1999 से लेकर के 2000 तक। इसमें जो ब्लू कलर का है सर, उसको हम लोग रूरल पॉवर्टी की बात करते हैं, है ना, रूरल पॉवर्टी की बात करते हैं, और जो ये हल्का रेड कलर का है उसको हम लोग अर्बन पॉवर्टी की बात करते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग देखें 1973-74 में तो लगभग 65% रूरल पॉवर्टी थी, यानी टोटल पॉपुलेशन का 65% लोग गांव में जो थे वो गरीब थे, जबकि लगभग 49% लोग शहर में गरीब होते थे। तो हमको क्या पता चलता है, देखो एक तरीके से डिक्रीजिंग ग्राफ मिलता है ना। अगर हम लोग 1973 से स्टडी करें और 2000 ईस्वी तक का 1999 और 2000 के बीच की स्टडी करें, तो हमको पता चलेगा कि अर्बन और रूरल दोनों में जो गरीबी है वो घटी है सर। अगर अभी हम रूरल की बात करते हैं तो रूरल लगभग तुम्हारा 28% पॉपुलेशन के साथ आता है, जबकि अगर अर्बन की बात करें तो ये 22-23% आएगा गरीबी में, है ना। यानी टोटल पॉपुलेशन के अगर हम लोग अर्बन एरिया की बात करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन का 22 से लेकर के 23% लोग क्या है, आज भी पुअर है, जबकि अगर हम लोग रूरल एरिया की बात करते हैं तो रूरल एरिया में क्या देखने को मिलता है सर, कि लगभग 28% लोग आज भी पुअर है, है ना। ओवरऑल अगर ओवरऑल पॉवर्टी की बात करते हैं, है ना, ओवरऑल पॉवर्टी की बात करते हैं तो वो रिड्यूस हुआ है सर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि गरीबी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, जो कि इस ग्राफ में दिखाया गया है, ठीक। चलिए ये जो डाटा आपका है वो प्लानिंग कमीशन का डाटा है ना, प्लानिंग कमीशन का डाटा है, ठीक। तो ये प्लानिंग कमीशन का डाटा है ना, जो कि 2008-09 को रेशियो को लेकर के ये बनाया गया है, है ना। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की, है ना। हम सिर्फ अभी तक इंडियन पॉवर्टी को देखे हैं सर, हम लोग सिर्फ अभी तक क्या देखे हैं, इंडिया में कि इंडिया का पॉवर्टी को कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, एपीएल बीपीएल कैसे डिसाइड करते हैं, और इंडिया में पॉवर्टी का क्या स्थिति है। लेकिन अब इस पॉवर्टी को हम लोग वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे, है ना, वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे। वर्ल्ड लेवल पर जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यूरोपियन कंट्री जो है, यूरोपियन कंट्री वहां पे गरीबी कम है ना। जबकि अगर अफ्रीकन में चले जाइए, अगर अफ्रीकन कंट्री में चले जाइए तो आपको क्या पता चलेगा कि अफ्रीकन कंट्री में जाने के बाद ये पॉवर्टी बढ़ती है ना, ये पॉवर्टी क्या होती है, बढ़ती है। तो हम लोग ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को अगर समझे, है ना, अगर ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को समझे तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि वर्ल्ड में क्या पॉवर्टी का स्थिति है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक के आंकड़ा पर ध्यान देते हैं, है ना। तो देखो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, है ना, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है सर, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि लगभग 1990 से अगर हम बात करें, अपना स्टडी अगर 1990 से स्टार्ट करें तो इस समय टोटल वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का 36% लोग पुअर थे, जबकि अगर अभी की हम बात करते हैं, है ना, अभी की बात करते हैं मतलब नियरेस्ट केसेस लेते हैं तो क्या पता चलता है कि नियरेस्ट केसेस में अगर हम 2015 की बात करें, है ना, 2015 की बात करें सर, तो 2015 में ये संख्या घट के कितना हो जाता है, लगभग 10%। मतलब आज भी वर्ल्ड के 10% लोग क्या है, टोटल पॉपुलेशन के 10% लोग जो है वो आज भी पुअर है। अब एस्टिमेट कैसे होता है सर, तो एस्टिमेट का एक सबसे साधारण फंडा है कि ये जो है वो $1 पे कंपेयर करते हैं, है ना, $1 पे कंपेयर होता है। $1
पर डे अपनी जिंदगी जीने वाले लोग है ना, पर डे में जो जिंदगी अपना जीते हैं $1 में, उसको हम लोग यहां पे पॉवर्टी में रखते हैं ना, $1 पर डे, पर डे। तो अगर ये जो लोग $1 में जिंदगी जी रहे हैं उसको हम लोग पॉवर्टी लाइन के एकदम परपेक्ष में रखेंगे, ठीक। इसके लिए अगर हम लोग एक दो स्टडी को देखें तो क्या पता चलता है कि इसके स्टडी को समझने के लिए यहां पे थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। अगर हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया में सर लगभग लगभग इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मीडियम तरीके से हो रहा है ना, मीडियम तरीके से हो रहा है, मतलब मोटा माटी ठीक ठाक स्थिति है। उसी तरीके से अगर हम चाइना की बात करें या फिर चाइना की अगर हम बात करते हैं तो पता चलता है कि चाइना में गरीबी घटी है, इंडिया की गरीबी घटी है, लेकिन अगर हम लोग सहारा अफ्रीकन कंटिनेंट में जाते हैं तो आज भी अगर अफ्रीकन कंटिनेंट में जाएं, है ना, अफ्रीकन कंटिनेंट की बात करें तो आज भी वहां पे मोर देन 40% लोग आज भी पुअर है, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी सिर्फ इंडिया का एक प्रोग्राम है या फिर इंडिया के लिए ये एक टेंशन है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए टेंशन है, है ना, पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक टेंशन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं पॉवर्टी के लिए। इसके लिए वर्ल्ड बैंक काम भी करता है ना। जो वर्ल्ड बैंक है वैसे देश जहां पे गरीबी ज्यादा है उसको बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट करता है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, और वो जो सपोर्ट होता है वो पूरी तरीके से अनपेडेबल होता है सर, वो पैसा को बहुत कम इंटरेस्ट पर वर्ल्ड बैंक उसको प्रोवाइड करती है। तुम समझ सकते हो कि आज के समय में एशिया में जो है वो क्या है कि पॉवर्टी, आजकल हम लोग कोरोना से मर रहे हैं लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीकन कंटिनेंट में लोग आज भी मलेरिया से मर जाते हैं, है ना। तो वहां का हेल्थ सिस्टम, वहां का खान पान बहुत ही ज्यादा मिजरेबल कंडीशन में है, ठीक। तो अब आता है सर कि हम लोग पॉवर्टी को हटाएंगे कैसे, किस तरीके से बात करेंगे कि पॉवर्टी खत्म हो जाए, तो इसी को हमको पढ़ना एंटी पॉवर्टी मेजर्स में, है ना, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, या इसी को कहते हैं पॉवर्टी एलिविगेशन प्रोग्राम, ठीक। तो इसके लिए क्या है कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। भारत को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना है, हमको एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम एडॉप्ट करने होंगे। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो है वो दो चीजों पर बेस्ड होती है, एक तो है प्रमोटिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो प्रत्येक आदमी के पास है ना, पर पर्सन के पास अगर जॉब हो तो वो क्या होगा, अपने आप गरीबी घट जाएगी। तो इसके लिए क्या होना, अगर देश की इकोनॉमी सिस्टम को सुधारना होगा, देश के इकोनॉमी सिस्टम को क्या होगा, सुधारना होगा। और दूसरा क्या होगा, जो पुअर है सर उसको हम लोग टारगेट करें, है ना, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के द्वारा। तो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के द्वारा जब किसी को टारगेट करके आप काम कीजिएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। यानी दो तरीके से हम पॉवर्टी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, पहला तो है प्रमोटिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, ठीक। चलिए अब एक सूचना तुम लोग को दे देते हैं, आज के बाद जो आप लोगों को वीडियो मिलेगा है ना वो दो नाम से मिलेगा, एक तो सौर्य नाम से मिलेगा, है ना, एक तो मिलेगा सौर्य नाम से, है ना, एक तो मिलेगा सौर्य नाम से और एक मिलेगा रफ्तार नाम से, है ना, रफ्तार नाम से। तो ये दो तरीके से, एक क्लास नाइन्थ के लिए है और एक क्लास टेंथ के लिए है। तो इस पर हम लोग अब इसी पर बात करेंगे, सौर्य और रफ्तार दो बैच हमने स्टार्ट किया है क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ के लिए, जो कि आप लोगों को कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली पूरा सिलेबस पूरा करके देंगे, है ना, पूरा सिलेबस पूरा करके देंगे इसमें, ठीक। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर रहिए, है ना। और जब आप हमारे चैनल पर आते हैं
है ना। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए ड्रीम टेक एजुकेशन, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आपको मेरा जो वीडियो प्रोग्राम है उस पर अगर आपको कमेंट है तो कमेंट कर सकते हैं कि हमने कुछ नए नाम भी रखे हैं, जैसे सॉरी जो है ना, सॉरी और रफ्तार। तो ये दो बैच अभी स्टार्ट हुआ है, सॉरी है 9th के लिए और रफ्तार है क्लास 10th के लिए। तो अब जो भी वीडियो मिलेगा उसमें आपको सॉरी और रफ्तार के नाम से वीडियो मिलेगा, ठीक। आज के बाद जो भी वीडियो मिलेंगे, तो इस वीडियो में यहीं तक। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।